दोस्तों यहाँ पे ये बुलेट के साथ आपको जो मेजर अपडेट देखने को मिलते हैं वो सबसे पहले मेंशन करके देते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीटली नए इंजन ऑफर की जाती है जो पहले नहीं आता था। जे सीरीज की प्लेटफॉर्म यूज की गई है और यहाँ पे इंजन आप देख लीजिए टॉप वेरिएंट के साथ आपको कंप्लीट मैट ब्लैक में ऑफर की जाती है। एक बार आपको उसकी फ्रेम के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो बेसिकली आपको ट्विन डाउन ट्यूब क्रैडल फ्रेम ऑफर किया जाता है जो बहुत ज्यादा स्टेबल एंड रिलायबल भी होते हैं, जो आपको क्लासिक के साथ भी एड किया गया है, मेटियोर के साथ भी मिलेगा और ये बुलेट के साथ भी आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। आप देख लीजिए ट्विन ट्यूब ऑफर की जाती है जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं हाईवे के अंदर बेसिकली। तो भैया आ गया है रॉयल एनफील्ड की डुकडुक। अब डुकडुक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये है एक इमोशन, नॉट ओनली बाइक। रॉयल एनफील्ड 1930 में पहली बार बुलेट को इंडियन मार्केट में लेके आया था, आज 90 ईयर्स हो चुका है। ये नॉट ओनली बाइक एक इमोशन है, सच में इमोशन है, क्योंकि इस बाइक को 90 ईयर्स हो चुके हैं और बहुत सारे रिवॉल्यूशंस के बाद आज ऐसा लुक मिला है। और ये बहुत ही रिसेंट अपडेट अभी आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि दो दिन पहले ही चेन्नई के प्लांट से ये बाइक दिखाया गया था। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स गए थे, हम लोगों को मौका नहीं मिला था, फाइनली कोलकाता में हमें ये बाइक मिला है आप लोगों तक दिखाने के लिए। तो यहां पे मेरे साथ ये जो बाइक देख रहे हो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसको ब्लैक गोल्ड वेरिएंट बोला जाता है। एंड वहां पे वो जो वेरिएंट रखा है वो देख लीजिए, वो स्टैंडर्ड ब्लैक कलर के साथ आता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक उठा के उसको बुलेट बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गलत बात है। जो लोग बुलेट बोलते हो किसी भी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल के लिए, तो उनको लिए बता दो ये जो बाइक है ये ओरिजिनल बुलेट है। और यहाँ पे रिसेंटली आपको जो जो अपडेट मिलते हैं वो सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो यू कैन लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। तो चलिए शुरू करते। तो बेसिकली हमारे पास दो वेरियंट है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेरियंट है, स्टैंडर्ड ब्लैक है, और यहाँ पे ये जो वेरियंट है ये ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। गोल्ड नाम है लेकिन यहाँ पे आपको गोल्डन टच नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉपर फिनिशिंग ऑफर की जाती है। और यहाँ पे जो जो चीजें आपको दिख रहा है ना, ग्राफिक्स वगैरह, ये सब कुछ हैंडमेड होते हैं, जो एकदम ओरिजिनल बुलेट के अंदर आपको मिलता था, पहले भी मिलता था, आज भी ये चीज दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है यही वाला है, यहाँ पे आपको सब कुछ मैट फिनिशिंग में ऑफर की जाती है। आप यहाँ पे फेंडर देख लीजिए, बुलेट के अंदर क्लासिक के अंदर आपको फ्रंट फेंडर कंप्लीट मेटालिक ऑफर किया जाता है, जो आपको मेटियोर के साथ नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे आपको जो टायर ऑफर की जाती है ये भी आप देख लीजिए एक बार, 100 सेक्शन टायर ऑफर की जाती है। यहाँ पे कोई भी अलॉयज के ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। बुलेट के साथ आपको हमेशा से एक स्पोक व्हील का ऑप्शन ही आता है, क्योंकि ये एक रेट्रो लुकिंग के साथ आता है। यहाँ पे मॉडर्न टच देने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कंपनी की, लेकिन फिर भी काफी सारे जगह पर आपको मॉडर्न टच मिलेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। फ्रंट पे आपको जो डिस्क ऑफर की जाती है 300 mm की डिस्क ऑफर की जाती है विथ ABS, आपको यहाँ पे फ्रंट पे भी ABS मिलेगा, रेयर पे भी ABS मिलेगा। ये एक लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि दोनों तरफ पे आपको ABS दिया जाता है अभी, ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। यहाँ पे आप फोक्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक्स ऑफर की जाती है। बहुत सारे लोग इसको USD फोक्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में USD नहीं है, यहाँ पे बस आपको एक कवर चढ़ाई गई है जो धूल मिट्टी के हाथ से काफी हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लासिक के साथ इसकी बहुत सारा सिमिलैरिटीज है। आप यहाँ पे देखेंगे जो टर्न इंडिकेटर आते हैं कंप्लीट हैलोजन बल्ब के साथ, पीछे की तरफ आपको क्रोम का टच भी ऑफर किया जाता है। टॉप वेरियंट चूज कर लीजिए या फिर बेस वेरियंट, दोनों तरफ ही देखेंगे तो आपको क्रोम फिनिशिंग ऑफर किया जाता है, लेकिन हैलोजन बल्ब के साथ आएगा। सामने देखेंगे तो आपको यहां पे जो हेडलैम्प यूनिट ऑफर की जाती है ये कंप्लीटली हैलोजन बेस्ड आता है, रिफ्लेक्टर बेस्ड है। और ये जो हैलोजन प्रोवाइड की जाती है रॉयल एनफील्ड के साथ, ये रॉयल एनफील्ड की हर एक बाइक के साथ, क्लासिक हो या फिर बुलेट हो, आपको जो हैलोजन मिलेगा बहुत अच्छा थ्रो के साथ मिलने वाला है आपको दोनों बाइक के साथ। ये स्टैंडर्ड वेरियंट और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ब्लैक गोल्ड वेरियंट, ये दोनों के साथ सामने से जो डिफरेंस पता चलने वाला है, यहाँ पे आपको एक कैप ऑफर किया जाता है। ये देख लीजिए क्लासिक के साथ भी आपको ऑफर किया जाता है, कंप्लीट मेटल फिनिशिंग के साथ मिलेगा, लेकिन इस वेरिएंट के साथ आपको कोई भी कैप नहीं आता है कंपनी फिटेड, बस क्रोम एड ऑन किया गया है इसके साथ। एक बार आपको बाइक का चाबी भी शो कर देता हूं, तो यहां पे आपको देख लीजिए वेब की ऑफर की जाती है, दो की आता है बहुत सुंदर रॉयल एनफील्ड के लोगों के साथ। एंड जैसे हम इसके इग्निशन को ऑन करें तो आप देख लीजिए, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये पायलट लैंप ऑन होते हैं। बहुत सारे लोग इसको पायलट लैंप बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको टाइगर लैंप भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको टाइगर लैंप बोला जाता है, लेकिन फिर भी लोग पायलट लैंप मानते हैं, तो हम भी पायलट लैंप आपको बोल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे और चेंजेस आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बुलेट के साथ आपको जो मेजर अपडेट देखने को मिलते हैं वो सबसे पहले मेंशन करके देते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीटली नए इंजन ऑफर की जाती है जो पहले नहीं आता था। जे सीरीज की प्लेटफॉर्म यूज की गई है और यहाँ पे इंजन आप देख लीजिए टॉप वेरिएंट के साथ आपको कंप्लीट मैट ब्लैक में ऑफर की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एयर फिन भी ऑफर किया जाता है जो काफी बढ़िया है। यहाँ पे ऑयल कूलिंग सिस्टम या फिर लिक्विड कूलिंग सिस्टम तो नहीं आता है, 350cc का इंजन है, आपको यहाँ पे एयर कूलिंग सिस्टम आता है, तो उसके लिए आपको फिन्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायमंड कट्स भी आपको दिखाई दे रहा है शायद। एक बार आपको उसकी फ्रेम के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो बेसिकली आपको ट्विन डाउन ट्यूब क्रैडल फ्रेम ऑफर किया जाता है जो बहुत ज्यादा स्टेबल एंड रिलायबल भी होते हैं, जो आपको क्लासिक के साथ भी एड किया गया है, मेटियोर के साथ भी मिलेगा और ये बुलेट के साथ भी आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। आप देख लीजिए ट्विन ट्यूब ऑफर की जाती है जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं हाईवे के अंदर बेसिकली। आपको कहां कहां मेटल मिलता है, बेसिकली ये बुलेट है तो आपको सब कुछ मेटल मिलेगा।
किसी भी जगह पे आपको प्लास्टिक का यूज नहीं की गई है, जो बहुत अच्छी बात है। ये रॉनेस के लिए लोग इस बुलेट को पसंद करते हैं। आपको यहाँ पे ये जो टैंक ऑफर की जाती है ये भी कंप्लीट मेटल में मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपको कंप्लीट मेटल में, सामने की फेंडर मेटल में, पीछे की फेंडर मेटल में, हर एक जगह पे मेटल, बस एक जगह पे आपको थोड़ा सा प्लास्टिक यूज की गई है। ये जो फ्यूज बॉक्स है इसके ऊपर आपको जो कवर मिलेगा ये आपको बस प्लास्टिक में मिलेगा, बाकी हर एक जगह से आपको मेटल यूज की जाती है। और सबसे जो बड़ी बात है, आपको इंजन के साथ साथ एक जो कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेगा, आप यहाँ पे इसके ग्राफिक्स देख लीजिए, बहुत बढ़िया 3D एम्बलेम में ऑफर की जाती है और ये बहुत सुंदर दिखता है। पहले एक टीन जैसा दिखता था लेकिन अभी ये एक रेट्रो एंड बहुत ज्यादा प्रीमियमनेस इसके अंदर ऐड हुआ है, जो बहुत ज्यादा स्टनिंग दिखता है। 350 सीसी का इंजन है लेकिन ये इंजन आपको 5 स्पीड गियर के साथ ऑफर की जाती है। तो यहाँ पे आप इसके ब्रेक पैड्स भी देख लीजिए, ये जो आता है आपको इसके ऊपर एक रबर का पैडिंग मिलेगा। यहाँ पे आप जो फुट पेक्स अभी फिलहाल देख रहे हो ये एक एक्सेसरीज का पार्ट है, आपको कंपनी फिटेड जो मिलने वाला है यहाँ पे पतली सी फुट पेक्स मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड करते हो, टूर में जाना चाहते हो, तो आप ये सब भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा, एक्सेसरीज के रूप में लेना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो एयर लेग गार्ड्स ऑफर की जाती है ये आपको एक्सेसरीज के रूप में परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो बैश प्लेट ऑफर किया जाता है ये भी एज एन एक्सेसरीज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो साइलेंसर ऑफर की जाती है ये साइलेंसर पाइप पाउडर कोटेड है और ये बहुत ज्यादा स्टनिंग दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप टॉप वेरियंट चूज करेंगे तो हर एक जगह से आपको ब्लैक ही ब्लैक दिखेगा, तो ये आप देख सकते हो। और इसका जो साउंड है ये बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है, एक रेट्रो टच आज भी इसके अंदर बरकरार रखी गई है। ब्लैक गोल्ड एडिशन के साथ आपको सब कुछ ब्लैक आउट मिलता है, जो मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड की तरफ जाते हो, इसकी प्राइसिंग भी कम है एज कंपेयर टू दिस वन, यहां पे आपको ब्लैक्ड आउट नहीं मिलेगा। आप रिबॉन एडिशन देखो ना क्लासिक के अंदर, वहां पे जो इंजन ऑफर की जाती है एल्युमिनियम बेस्ड, वो आपको यहाँ पे बरकरार रखी गई है। ये चीज आपको इस वेरिएंट के साथ मिलने वाला है। अगर इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे मिलिट्री एडिशन भी आता है, वहां पे अगर आप जाना चाहते हो उस वेरिएंट के साथ, तो वहां पे भी आपको ये जो इंजन डिपार्टमेंट है ये आपको एल्युमिनियम फिनिशिंग के साथ ही मिलने वाला है। इस वेरिएंट के जो एग्जॉस्ट पाइप आपको मिलेगा वो आपको ब्लैक्ड आउट नहीं है, कंप्लीट क्रोम में ऑफर की जाती है, बहुत ज्यादा स्टनिंग दिखता है। बहुत सारे लोग क्रोम के लिए अलग से पैसा पे करते हैं क्लासिक के अंदर, लेकिन बुलेट के साथ अगर आप क्रोम एडिशन लेना चाहते हो तो लोअर वेरिएंट आपको ज्यादा क्रोम मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो वर्बेम मिलेगा ये भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मिलने वाला है। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक आउट मिलने वाला है, ये डिफरेंस है। बहुत सारे लोग पैसा खर्च करके क्रोम एडिशन अलग से लेते हैं क्लासिक के अंदर, लेकिन इस बाइक के साथ आपको टॉप वेरिएंट पाउडर कोटेड ब्लैक आउट मिलेगा। लेकिन लोअर वेरिएंट की तरफ जैसे आप शिफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रोम टच ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अगर आप क्रोम के शौकीन हो तो मेरा सजेशन ये होगा आप लोअर वेरिएंट चूज कर लीजिए। बुलेट की हर एक वेरिएंट के साथ आपको टैंक के ऊपर ये ग्राफिक्स मिलने वाला है, बहुत सुंदर सा दिखता है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बुलेट 350 लिखा हुआ दिखेगा। ये भी बहुत बढ़िया, एक रेट्रो टच के साथ आपको कंप्लीट 3D टच भी ऑफर किया जाता है। भैया और क्या चाहिए आपको? आज की तारीख के हिसाब से इस बाइक को एक मॉडर्न टच भी आपको मिलने वाला है। पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो डिस्क ऑफर की जाती है 270mm डिस्क आता है, इसके साथ भी आपको ABS मिलेगा। पीछे भी आपको ABS दिया जाता है। भैया सेफ्टी की बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखा गया है। बुलेट के साथ पहले एक सिंगल चैनल आता था लेकिन अभी आपको डुअल चैनल ABS ऑफर किया जा रहा है। एंड टैंक के ऊपर मैं और एक चीज आपको दिखा दूं, आप देख लीजिए फ्यूल जो आने वाला है अप टू ई20, दैट मींस इथेनॉल के साथ जो फ्यूल रिसेंटली एड हुआ है इंडियन मार्केट में, वो भी इसके अंदर आराम से आ जाएगा। OBD2 का अपडेट भी आपको कंपनी की तरफ से बाइक लॉन्च करते वक्त ही दिया जाता है। पीछे देखेंगे तो आपको बुलेट के साथ यहाँ पे जो फेंडर ऑफर की जाती है, रियर फेंडर थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप में आता है लेकिन क्लासिक के साथ आपको राउंड शेप में दिया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है क्लासिक एंड बुलेट के अंदर। और पीछे की तरफ दिखाया जाए तो आप यहाँ पे लैंप देख लीजिए, रियर आपको जो लैंप ऑफर की जाती है कंप्लीट हैलोजन बल्ब के साथ आता है। जैसे ब्रेक दबाएंगे तो देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला क्योंकि हैलोजन बल्ब के थ्रू बहुत दूर तक जाता है। यहाँ पे भी टर्न इंडिकेटर्स वगैरह देख सकते हो, कंप्लीट हैलोजन में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आपको यहाँ पे जगह छोड़ी गई है। दोस्तों बुलेट के साथ पहले से ही आपको एक सिंगल सीट ऑप्शन ऑफर किया जाता है, क्लासिक के साथ यहाँ पे स्प्लिट ऑफर किया जाता था लेकिन इसके साथ आपको सिंगल सीट मिलने वाला है। सिंगल सीट ज्यादा रिलायबल होता है एंड कंपनी फिटेड आपको जो सिंगल सीट ऑफर की जाती है कुछ इस तरह डिजाइन के साथ, आप देख सकते हो ये बैठने में एंड इसकी जो फील है ना काफी बढ़िया आपको मिलने वाला है। अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो आपको थकान महसूस नहीं होने वाला है। लेकिन और एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन के साथ आपको कंपनी की तरफ से जो सीट आता है वही वाला मिलेगा लेकिन एक्सेसरीज के रूप में आप इस सीट को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिलेगा एंड ये टूरिंग सीट है, इसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करना होगा। ये और भी ज्यादा रिलायबल होते हैं। बुलेट के साथ आपको और एक अपडेट भी दिया जाता है, क्या है आपको पता है? आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो मीटर कंसोल ऑफर की जाती है सेमी डिजिटल अभी फिलहाल आपको मिलने वाला है, जो आपको क्लासिक के साथ दिया जाता है। जैसे
चाबी को घुमाएंगे आप देख लीजिए रेट्रो लुक वही बरकरार रखी गई, स्पीडोमीटर आता है, नीचे की तरफ छोटा सा डिस्प्ले ऑफर की जाती है, इसीलिए मैंने बताया सेमी डिजिटल, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो फ्यूल गेज मीटर ऑफर की जाती है, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर ये सब शो करेगा, लेकिन अभी भी इसके अंदर आपको कोई भी टैकोमीटर नहीं दिया जाता है। यहां पे काफी सारे फंक्शंस और भी है, जैसे कि आप टर्न इंडिकेटर्स की, न्यूट्रल की इंडिकेशंस एंड एबीएस मल फंक्शन जो भी होना चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। यहां पे देखेंगे तो आपको रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 लिखा हुआ मिलेगा। ट्रिपल नेविगेशन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इसको रिमूव करके आप यहां पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो, उसके लिए अलग से आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। और स्विचेस की बात करेंगे तो यहां पे आपको वही वाला क्लासिक वाला एंड मेट्योर वाला एंड आप कह लीजिए हंटर के अंदर, मतलब रॉयल एनफील्ड की अभी फिलहाल जितने भी 350 सीसी की इंजन आ रहा है सबके साथ आपको यही वाला स्विचेस ऑफर किया जाता है। ये ज्यादा रिलायबल होते हैं एंड बहुत अच्छी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं रेट्रो बाइक के साथ। यहाँ पे आप देख लीजिए एक डायल ऑफर की जाती है जहां पे आपको इंजन किल स्विच भी मिलेगा एंड स्टार्ट बटन भी आपको यहां से मिल जाएगा। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हैजार्ड के लिए भी डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड किया जाता है, भैया बहुत अच्छी टच है, इसीलिए मैंने बताया कि मॉडर्न टच भी आपको मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे हाई बीम, लो बीम एंड यहाँ पे पल्स बटन भी ऑफर की जाती है। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स एंड हॉर्न भी ऑफर की जाती है। एक बार आपको साउंड सुनवा देता हूँ तो देख लीजिए काफी ज्यादा लाउड है, सिंगल हॉर्न आते हैं लेकिन फिर भी काफी लाउड आपको मिलने वाला है। तो भैया अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। तो सबसे पहले आप वेरिएंट के बारे में डिटेल में बता देता हूं, तो बेसिकली आपको तीन वेरिएंट आते हैं। एक आपको मिलेगा ब्लैक गोल्ड एडिशन जो अभी फिलहाल मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 2,16,000 के आसपास आपको एक शोरूम पड़ने वाला है, ऑन रोड जाते जाते आपको लगभग 2.5 लाख के आसपास पड़ने वाला है। लेकिन यहां पे देखेंगे तो स्टैंडर्ड जो वेरियंट आता है इसकी प्राइसिंग आपको 1,97,000 एक शोरूम पड़ने वाला है। तो ये दो वेरियंट है। एंड कलर ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपको ये सिंगल कलर के साथ ही मिलेगा एंड स्टैंडर्ड के साथ आपको दो कलर मिलेगा, एक आपको ब्लैक स्टैंडर्ड मिलेगा एंड दूसरा आपको ब्राउन स्टैंडर्ड मिलने वाला है। एंड थर्ड जो वेरिएंट आता है, जो सबसे ज्यादा बेस वेरिएंट आता है, उसको मिलिट्री एडिशन बोला जाता है। उसके अंदर भी आपको दो कलर मिलेगा, मिलिट्री ब्लैक कलर एंड मिलिट्री रेड कलर। वहां पे उसकी जो एक शोरूम प्राइस होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 1,75,000 के आसपास एक शोरूम पड़ने वाला है। उसकी ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 2 लाख समथिंग वगैरह पड़ने वाला है अगर आप बेस वेरिएंट को चूज करते हो। टेक्निकली दोनों के अंदर चेंजेस नहीं है, कॉस्मेटिकल चेंजेस है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा। 5 कलर ऑप्शन के साथ आ रहा है एंड इसके अंदर जो जो चेंजेस था मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हो एंड रॉयल एनफील्ड की बुलेट को परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो आप आदित्य मोटर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इन लोगों की कॉन्टेक्ट डिटेल्स गूगल मैप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।